हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यूज़ ऑफ मॉडल। दिस इज द 8th वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मॉडल, एंड इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट यूज़ ऑफ नीड इन अ सेंटेंस। सो लेट्स बिगिन। देखो बच्चों, जो नीड है वो हमें ऑर्डनरी वर्ब और एज अ मॉडल, एज एन एक्सिलरी वर्ब और एज अ मॉडल और एज अ ऑर्डनरी वर्ब, दोनों तरीके से हम नीड का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जो नीड है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेमी मॉडल और मरीजनल मॉडल। जो नीड है उसको हम सेमी मॉडल और मरीजनल मॉडल भी बोल सकते हैं। जो नीड है उसका यूज एज ए मॉडल जो है वो ज्यादातर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नीड का यूज अधिकतर देखो नीड का जो यूज़ है वो मॉडल के साथ ज़्यादातर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। नीड का यूज़ अधिकतर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ एज ए मॉडल होता है। तो एज आप ये भी लिख सकते हैं कि एज ए मॉडल नीड का जो यूज़ है वो ज़्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। ये हमारा सेंटेंस हो गया किसका, नेगेटिव का। ही नीड नॉट टॉक टू हर, उसे उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है। और एज ए मॉडल नीड का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस के साथ हो गया। ये हमारा सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव का। नीड ही टॉक टू हर, क्या उसे उससे बात करने की ज़रूरत है। तो एज ए मॉडल इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ नीड का यूज़ कैसे होता है ये भी आपको पता चल गया। अगर हम You needn't wear a tie, अगर हम देखते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस, तो You needn't wear a tie जो है आपको टाई पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव हो गया। need not को एक साथ लिख दिया तो needn't wear हो गया। तो ये आपको पता चल गया कि need का use interrogative and negative sentences में as a model कैसे होता है। अब हम अगर एक रूल और देखें तो आप सबको ये तो पता ही है प्रिंसिपल वर्ब। नीड जो है वो एक प्रिंसिपल वर्ब भी है, ये आपको पता ही है कि प्रिंसिपल वर्ब के अकॉर्डिंग भी नीड का यूज़ होता है। कैसे होता है,
हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई नीड योर हेल्प, आपको पता चल गया कि ये जो नीड है वो कौन सा वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। ऐसे ही अगर हम एक और सेंटेंस देखें तो आप देख सकते हैं, अगर इंट्रोगेटिव में देखते हैं तो इसी को बना सकते हो। डू यू नीड माई हेल्प, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया कि नीड का जो यूज़ है वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो एज ए मॉडल जो है वो नीड का यूज़ ज़्यादातर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है, जैसे ही नीड नॉट टॉक टू हर, नीड ही टॉक टू हर, यू नीडेंट वियर अ टाई। और एज ए प्रिंसिपल वर्ब भी नीड का यूज़ होता है, जैसे आई नीड योर हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। ये तो आपको पता ही है कि दैट नीड का जो लिटरल मीनिंग क्या है, क्या होता है, ज़रूरत या आवश्यकता। अगर हिंदी में हम नीड का लिटरल मीनिंग देखते हैं तो नीड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता। तो ऐसे ही जो है यहाँ प्रिंसिपल वर्ब में आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है या आवश्यकता है। डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो आपको समझ आ गया कि एज अ प्रिंसिपल वर्ब जो है नीड का यूज़ कैसे होता है। तो ये बहुत ही छोटा सा मॉडल था नीड, जो आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, ये 8th वीडियो है पर्टिकुलर टॉपिक मॉडल पे। इसमें हमने आज नीड डिस्कस किया है। नीड का लिटरल मीनिंग है आवश्यकता या ज़रूरत। ये नीड जो है ये ऑर्डिनरी मॉडल जो है ऑर्डिनरी वर्ब के साथ या फिर एग्जरी वर्ब भी उसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे सेमी मॉडल या मारिजनल मॉडल भी बोलते हैं। नीड का यूज़ अधिकतर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ एज ए मॉडल होता है, जैसे ही नीड नॉट टॉक टू हर, नीड ही टॉक टू हर, यू नीडेंट वियर अ टाई। और प्रिंसिपल वर्ब के अनुसार भी नीड का यूज़ होता है, जैसे आई नीड योर हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। इस रूल को आप अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज अ मॉडल नीड का यूज़ ज़्यादातर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया नीड जो है उसका यूज़ कैसे होता है। थैंक यू।